सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू गुना केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दुनिया भर में आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल माय कॉलीग्स, टू ऑल द स्टूडेंट्स, और हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी अवसर को समर्पित कह लें, आज जो टॉपिक चूज किया है, देयर वाज अ रिक्वेस्ट बाय मिस्टर शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रिक्वेस्ट भेजी, सजेशन दी टू हैव डिस्कशन ऑन प्लम्बम आयोड। तो सुझाव आया था कि एक वीडियो बनाएं विद अ डिस्कशन ऑन प्लम्बम आयोड एटम। तो आज के इस अवसर पर मैंने क्यों ये चूज़ किया, सो दैट इस प्लम्बम आयोड एटम की डिस्कशन इस तरह की रखेंगे, सो दैट हम सबको इसका बेनिफिट मिले। फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो स्टूडेंट्स हैं, जो होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, उन्हें फ़ायदा पहुँचे, और जो पेशेंट्स हैं, इसका फील्ड ऑफ एक्शन देखेंगे, यूजेस देखेंगे कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट अस डिस्कस द रेमेडी प्लम्बम आयोडेटम। दोस्तों प्लम्बम आयोडेटम को ना आयोडाइड ऑफ लेड भी कहा गया है, और ये बेसिकली मिनरल किंगडम की रेमेडी है। और जब इसको तैयार करते हैं होम्योपैथिकली, तो इसके मार्वलस इफेक्ट्स हैं। इट हैज गॉट अ मार्क्ड एक्शन ऑन आवर स्किन, ऑन द ग्लैंड्स एंड ऑन द नर्व्स। आइए इसका फील्ड ऑफ एक्शन समझें। दोस्तों शरीर में कहीं भी जो ग्लैंड्स हैं ना, अगर वो अफेक्टेड हैं, तो ये ग्लैंडुलर रेमेडी कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर महिलाओं की बात करें तो बहुत कॉमन केसेस रहते हैं जहाँ ब्रेस्ट के ट्यूमर्स हैं, ब्रेस्ट के कैंसर्स हैं। सिमिलरली यूटराइन ट्यूमर, यूट्रस के अंदर ट्यूमर है या यूटराइन कैंसर है, अगर ऐसा केस है, और ये जो ट्यूमर या कैंसर, ये बहुत ना हार्ड है, इन ड्यूरेशन आर रियली वेरी हार्ड, स्टोनी हार्ड, सख्त बहुत रहता है, दर्द बहुत करता है, इट इज़ वेरी पेनफुल, और सोरनेस है, छूने से भी दर्द करता है। मेमोरी ग्लैंड्स में अगर दिक्कत रहती है ना, तो ये जो ग्लैंड्स अफेक्टेड रहते हैं, अगर ये सिम्टम्स हैं, तो प्लम्बम आयोड इज अ मैजिकल रेमेडी। ये इनकी जो हार्डनेस है, इन ड्यूरेशंस है ना, उसमें फ़र्क डालता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, इन द लॉन्ग रन दे टेंड टू डिसॉल्व। अच्छा, फिर एक ना कई बार ऐसे कंडीशन रहते हैं महिलाओं में ना, ड्यू टू सम रीज़न अगर ओवरीज श्रिंक कर गई, जिस वजह से क्या हुआ, मेंसेस रुक गए हैं और स्टेरिलिटी हो गई है, द वुमेन इज नो मोर फर्टाइल, बच्चे पैदा करने की क्षमता जैसे कम हो गई है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगर ऐसा है, प्लम्बम आयोड यहां भी काम करती है। स्किन के कुछ सिम्टम्स समझें, जैसे ना अगर स्किन बहुत ड्राई है, सूखी चमड़ी है, स्केली है स्किन, और स्किन पे जैसे ना अल्सर्स हो गए हैं, कई बार ऐसे कंडीशन रहती है, छाले हो जाते हैं स्किन पे, अल्सर्स हो जाते हैं, जिसमें से डिस्चार्ज निकलता है, पस निकलती है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग, बास आती है, इट्स अ बैड ओडर। अगर ऐसे स्किन के अल्सर्स हैं ना, तो हम यहाँ प्लम्बम आयोड दे सकते हैं। दोस्तों इसे ना हम इंटरनली भी दे सकते हैं, जहाँ ग्लैंड्स एनलार्ज्ड हैं, एट्रोफीड हैं, स्पेशली जहाँ स्प्लीन एनलार्ज्ड है, जहाँ भी एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन है, उस वजह से जो भी उभर के सिम्टम्स आते हैं ना, उसमें रिलीफ मिलता है, गिव प्लम्बम आयोड। थ्रोट के सिम्टम्स में भी ना, जैसे पहले डिफ्थीरिया बहुत ज़्यादा था, अब तो खैर देर इज़ अ वैक्सीन, केसेस ऑफ डिफ्थीरिया फॉलन ड्रास्टिकली, अब नहीं देखने में आते, लेकिन अगर थ्रोट में दर्द है, स्वेलिंग है, सूजन, अगेन एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स, टॉन्सिलाइटिस इज सेकेंड कंडीशन, अगर टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है ना, और उसके साथ एसोसिएटेड हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, प्लम्बम आयोडेटम यहाँ भी काम करती है। इसका ना रोल ऑफ एक्शन, जैसे कह लें फील्ड ऑफ एक्शन बहुत वास्ट रहता है। एक्सट्रीमिटीज की बात करें, हाथ और पाँव जैसे ना ठंडे पड़ गए हैं, द हैंड्स एंड फीट आर वेरी कोल्ड, पैरालिसिस की नौबत आ जाती है, मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, मसल वीकनेस इज अनदर थिंग, एंड एक्सट्रीम एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा कमजोरी, एक्सट्रीम वीकनेस इज ऑब्जर्व्ड, ऐसे कुछ कंडीशंस हैं, तो प्लम्बम आयोडेटम हम दे सकते हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन मैं आपके सामने इंडिकेशन रखता हूँ, जहाँ प्लम्बम आयोडेटम 100% सक्सेस है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं दोस्तों, दैट इज़ अ कंडीशन कोल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हार्ट के ऊपर बहुत से वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा, उसमें ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के ऊपर अलग से वीडियोस हैं,
क्या होते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, बेसिक जानकारी है चाहिए तो वो जरूर देखिएगा। इन शॉर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, ड्यू टू सम रीजंस कई बार होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं ना वो थिक हो गई हैं, वो हार्ड हो गई हैं, वो सख्त हो गई हैं, उनकी इलास्टिसिटी कम हो गई है। उस वजह से क्या होगा, जितना ब्लड फ्लो प्रॉपर होना चाहिए ना उस थ्रू दैट ब्लड वेसल, वो नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब इस वजह से क्या होगा, जिस ऑर्गन को, जिस टिश्यू को वो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाएगा। अगर हार्ट मसल को सप्लाई कर रही है, कॉरोनरी आर्टरीज में दिक्कत आ रही है, इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा, वो हार्ट की फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। और अगर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के सिम्टम्स हैं, अगर ये दिक्कत रह रही है, प्लम्बम आयोडेटम तो जरूर देनी है दोस्तों। इट हैज़ गॉट मैजिकल रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द आर्टरीज जैसे ना वापस अपनी जान आ जाती है उनके अंदर। अच्छा, एक और कंडीशन रहती है, इट्स अ पैटर्न ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जिसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। उसमें भी देखिए, दे आर दिस बोथ दिस टर्म्स ये ना एक दूसरे के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन फर्क समझें, एथेरोमा प्लैक, एथेरोमेटस प्लाक बन जाता है ना जहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से ना कई बार अंदर प्लाक फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है, लीजन्स बन जाती हैं ब्लड वेसल्स में, वहाँ कोलेस्ट्रॉल या फैटी डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं, प्लाक बन जाएगा वो और सिकुड़ जाएगी आर्टरी, वहाँ से ना ब्लड निकलना और असंभव जैसा हो जाता है अगर ऐसी नौबत आ जाती है, और कई बार ऐसी स्टेज आती है जब वो क्लॉट तो बर्स्ट कर जाता है। सो दीज आर रिपरकशंस ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। टाइमली स्टार्ट करें प्लम्बम आयोडेटम, वी कैन यूज वेरी इफेक्टिवली एंड सेफली इन सच कंडीशंस। और अंत में मैं बताऊंगा आपको कुछ जनरल कंडीशंस हैं जहां हम प्लम्बम आयोड दे सकते हैं। स्क्लेरोटिक डीजनरेटिव चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड स्पेशली इन द स्पाइनल कॉर्ड, वहां दे सकते हैं। पेलाग्रा एक कंडीशन रहती है, वहां दे सकते हैं। वैसे मैंने बताया स्केली एंड ड्राई स्किन है, डायरिया की कंडीशंस हैं कई बार, वहां भी प्लम्बम आयोड काम कर जाती है। और मेंटल डिस्टर्बेंसेस रहती हैं, मेंटल फटीग रहता है, प्लम्बम आयोड कैन बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ को रेमेडी, ठीक है, साथ में हम जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक समराइज्ड प्रेजेंटेशन ऑन प्लम्बम आयोडेटम। शैलेंद्र कुमार जी, आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के थ्रू, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हालांकि टू द पॉइंट बात की है, लेकिन आशा करता हूँ आपको इसका फायदा जरूर पहुंचे। दोस्तों आपने रिक्वेस्ट भेजते रहें, सुझाव देते रहें इन द कमेंट सेक्शन, आप जो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। वीडियो अच्छा लगा तो सेंड योर लव थ्रू अ लाइक, शेयर कीजिए, और जो मेरे दोस्त अब तक जुड़ नहीं पाए सब्सक्राइब कीजिए गुरु नानक केयर्स को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जुड़े रहें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।